गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो अब तैयारी चल रही थी रक्षाबंधन की, तो अब वो सारी तैयारी हो गई, रक्षाबंधन भी निकल गया, बहुत बढ़िया रहा। और अब तैयारी चल रही है टीचर्स डे की, तो आज मार्केट होके अब बस अभी आई हूँ। और ये देखो क्या करेंगे, दिखाओ हमें, चलो। तो ये देखो ये है इयररिंग्स, ये अच्छे से अब दिख रहे हैं। और ये जो तीन का सेट जो चल रहा है रिंग्स का, ये वो है। और ये है मेरा कड़ा जो इसके लिए स्पेशल गई थी मैं, और इस पर्स के लिए। बहुत सुंदर लग रहा है, उसमें पता नहीं कैसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत इसके अंदर वो भी है। और एकदम न्यू डिजाइन है, यूनिक, और मेरा कलर भी बहुत अच्छा है। जो वैसे मैंने राखी पे सूट पहना था ना, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन। और इसमें ये तो आपको दिखाई दिया था कि पापा ने दिया था, इसमें मेरा सूट है। चल दिखा दो। तो यस, हेयर इज माय सूट। और ये अब बस इतना ही दिखाओ, ये अब मैं तब दिखाऊंगी जब क्या कहता है, जब मैं पहनूंगी। मम्मी वो जो बट्टा ना उस वाले में, आराध्या वाले में, जो मेरा दूसरा सूट था उसमें। और ये रही इसमें मेरी बेली, तो वो ये रही इसमें। डबल डबल खर्चा लड़की ने, राखी का अलग, इसका अलग, एक साथ सबके लिए। मम्मी इस बार राखी लेट पड़ गई, अब मैं कोई सा रोज रोज टीचर बन रही हूँ, फर्स्ट टाइम ही बन रही हूँ, तो भाई अच्छे से खर्चा कर। तो ये बहुत अच्छा है, एकदम यूनिक बैग, मुझे बहुत पसंद आया। इसकी बेल्ट जोड़ दूंगी, ठीक है? ठीक है, जोड़ देना। बढ़िया बढ़िया, अब मैं रख के आती हूँ सारा सामान। इसकी पन्नी थी मम्मी, तीनों एक चीज़ में रखो, फिर वो मेरी खो जाती है, फिर मुझे मिलता नहीं है। ऐसे जुड़ेगा मम्मी, एक चीज़ रह गई, आईलाइनर। अब मैं कहाँ से लेके आऊँगी इस बार, लिक्विड वाला लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरा लाइनर हमेशा ख़राब हो जाता है, पेन वाला बहुत जल्दी सूखने लग गया है। छोटा बड़ा अपने हिसाब से। दूसरी का तब मैं ना पसंद तो दो आए थे, एक ये वाला पर्स आया था, और एक ना गोल्डन कलर का था, वो थोड़ा ना किट जैसा था, मतलब था अच्छा। और उसकी जो ये ऐसे जो बेल्ट कहते हैं ना, मतलब जो इसकी चैन कहते हैं, वो बहुत मोटी वाली थी, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसमें ना एक ही जिप थी, और मम्मी कहती थी जिप एक ही है, तो एक ही चीज़ में क्या रखेगी सामान, तो दो होनी चाहिए कम से कम, कि आगे फ़ोन हो जाए तो पीछे कुछ और सामान रख सको। तो इसलिए फिर हमें ये दूसरा पे ये मिला, तो चॉइस ही अच्छी लगी। और एक मुझे वैसे वाइट भी पसंद आया था, वो बहुत छोटा सा था, इसका आधा था, सुंदर था। वो बहुत छोटा सा था, क्यूट सा था, लेकिन मम्मी कह रही अब इसमें रखेगी क्या, तेरा फ़ोन भी नहीं आ पाएगा, ये वाला ले। तो मम्मी ने बोल दिया इसी में रख दी हूँ, ढूंढती मत रही हो, कहीं ढूंढती रहे तो सही है, इसी में रख दिया, मेरे को मिल जाएगी। अब आया हमारा परसों नहीं तरसों, कल तो संडे है, परसों मंडे है, फिर ट्यूसडे को हमारा टीचर्स डे। वाह मम्मी, कहाँ फेंकूँ ये पन्निया? इसका हो रहा है हेड वॉश, और अभी इसने कराई थ्रेडिंग, थ्रेडिंग का लुक दिखाएगी ये घर जाके। पूरा पार्लर सर पर उठाने वाली लड़की है ये। कितने प्यार से कराई है वो भी बता दो। कपड़े फाड़ के सबके। हेयर वॉश एकदम हो चुका है, तेल तो मैं सुबह बहुत भर के आई थी, और अब बताओ मेरा फेस कैसा लग रहा है। तो जो मेरी चेंज हुआ है, और मम्मी बुआ यहाँ बैठे आराम से चले, और अब रात में करवाने आऊँगी मैं प्रेसिंग, की कहीं मेरे ख़राब ना हो जाए वाले, इसलिए। ठीक है बुआ, ओके, थैंक यू, वेलकम। तो मेरी अब प्रेसिंग भी कंप्लीट हो गई, अब मैं दोबारा आई थी, जल्दी आ गई थी 6:30 बजे, और टाइम हो रहा है अब 7:30, और मेरी पूरी प्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो मम्मी कैसे लगे? बहुत बढ़िया, कल टीका लगाऊंगी तेरे। कोई नहीं, इवी लाई पहन रही है मैंने। नहीं फटेंगे ना। हाँ सही में। तब बुआ क्या कर रहे? दुकान बढ़ा रही, पार्लर बढ़ा रही,
सैलून तैयारी हो रही है। हाँ सारा कर लिया, हमें इकट्ठे कर लिया है। हाय कर दो, हाय बाय बाय गाइस, बाय बाय। चलो अभी करते सब यहीं से, चलो वो लंबा भी पड़ेगा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग और हैप्पी टीचर्स डे सबको। और आज मैं टीचर बन चुकी हूँ, आज सपना पूरा हो गया टीचर बनने का, ये बहुत ज़्यादा वेट किया था और आज फाइनली 12th में आ गए, टीचर भी बन गए और हम जा रहे हैं अब स्कूल क्योंकि, और आज मैं परफेक्ट टाइम पे पहली बार परफेक्ट टाइम पे मैं तैयार हुई हूँ। आज स्कूल का भी दिखा दिया अंदर। हाँ आज मैं सारा पूरा जो टीचर्स जगह ब्लॉग है वो मैं बना के आया हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन लेके जा रही हूँ। ठीक है टाइम हो गया, निकलते हैं। और पता है मैं डिनर नेल पेंट रह गई थी और फटाफट लगाई, अभी सूखे में टाइम लग रहा है, बस चप्पल पहनिए भी खराब ना हो जाए। मैंने वैसे वाली ही पहनी। हाँ ठीक है, अभी मैं जा रही थी तो मैंने देखा हरे भरे इयर रिंग्स तो पहने ही नहीं, तो फिर अब मैंने मतलब वो भी कान के रह गए कान के तो वो भी फटाफट से पहना रही है क्योंकि ये ऐसे बाहर ना इसमें दिख नहीं रहे रोशनी ना। चलो बाहर बाहर चलो बाहर बाहर चलेंगे बाहर। वो भी बहुत अच्छे आए हैं, अच्छे लग रहे एकदम। आएगी ना बुआ के पार्लर से होती है ये, ठीक है बुआ से मिलके। हाँ ठीक है। मम्मी नहीं बुआ का पार्लर बंद है आज। क्यों? बुआ कहेंगी दो दिन बंद रहेगा पता। हाँ हाँ आज कल का अब हमारा लुक बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है, सेल्फ ऑब्सेस्ड कर रही हूँ। और चुन्नी मम्मी चुन्नी सर स्कूल में पहुंच गए और भाई भूमि का अभी मेरे पास आयशी का घर पे फोन आया था और जो कि वो कह रही थी कि ना तू पहुंचा तू लेट करवाती है, तो अब वो बिल्कुल नहीं आई है, सिर्फ मम्मी और मैं। कब आई थी तू? तेरी हाँ 10 मिनट पहले की ही थी तू, सवाल है तो फटाफट नहीं तो हट जाएंगे। अबे रुचि मैम, रुचि मैम बच्चे नहीं रेडी रहो बेटा। कभी हम सारे जगह पे हैं और अपने अपना टाइम टेबल सुन रहा है, मैंने कौन सी क्लास में कौन सा पीरियड लगा हुआ है। यार अच्छी बनी है इसकी, मैंने रैंडम देख ली थी, इसकी रैंडमली स्ट्रीक बन गई, एक फायदा हो गया तो अभी सारे बैठे हैं और अपने अपने फोन में टाइम टेबल भी देख रहे हैं और थोड़ी फोटोस वगैरह भी खींच रहे हैं, तो जब इनका हो जाएगा तो हम भी बोल से अपने अपने क्लासेस में। तो मैंने लंच लेकर आई नहीं थी तो अभी काजल के साथ मैं जा रही हूँ, पापा क्योंकि गेट पे आ गए हैं, मैंने बोला था अभी मैं खाली आती जाऊँगी अपना पर्स लेके क्योंकि मुझे कोई बैग वैग नहीं मिला था, तो अब हम ले लेते हैं अपना लंच और फिर चल रहे हैं। कैसा लग रहा है काजल? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी फेवरेट टीचर बने हो ना। ओह अच्छा, तो मैं इसको साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि वो सारे के सारे बिजी है अपनी सेल्फीज वगैरह या क्लास वगैरह में, तो अब ये भी अपनी सेल्फीज में ही बिजी थी गाइस। वो तो पापा का फ़ोन आया था इसलिए मैं आई, मैं उन लोगों को परेशान नहीं कर रही ना, मैं इसको कर रही हूँ परेशान कि ये भी साथ साथ आए। आई एम ऑलवेज वेली, ये ऑलवेज वेली। चलो कोई नहीं, तो अब आ घर बड़ी जल्दी चली गई, बड़ी जल्दी चली गई वो। हाँ चली गई,
भैया तेलो पता नहीं कहाँ थे, अब इनको ढूंढ के लाई हूँ मैं। गाइस हम कहीं नहीं थे, हम इसी स्कूल में थे पर हमें ढूंढ नहीं पा रही थी। जब कोने में छुप जाओगे तो मैं कहाँ से ढूंढ लूंगी? हम कोने में नहीं छुपे थे, हम इसी के पास थे। झाड़ियों के उधर थे मैडम, झाड़ियों में भी नहीं थे। अपने नहीं बताई, मैं बिजी नहीं थी, मैं रील बना रही थी। ये बिजी थी, देखो थी ना बिजी रील में। ठीक है तुम सच्चे हो ज्यादा ही। अब मैं जा रही हूँ हमारी मैम के पास और उनसे मिलवाती भी हूँ, जो मैं बनी हूँ मोनिका मैम। तो अब मैं इसको पकड़ के लाई हूँ, मेरी फोटो खींच अब मैम के साथ। मैडम बड़ी बिजी थी। तो हेयर इज निकिता, अपनी अकाउंट्स की टीचर बनी है रुचि मैम, और ये रही पूरे स्कूल की प्रिंसिपल द ग्रेट रिया। तो यहाँ पे हाँ मैं मोनिका मैम, अभी मुझे मिलना है मैम ना, एक चीज़ में बिजी है, तो अभी मैं दोबारा जाऊँगी। तेरी हो गई सारी चीज़ें से, हम ही रह गए हैं, अब जाऊँगी मैं। तो मैं और मेरी पार्टनर पायल, हम दोनों बने थे मोनिका मैम, और हमें अभी मोनिका मैम मिली भी नहीं है, और हमने फ़ोटो भी क्लिक नहीं कराई उनके साथ। हाँ तो अभी हम स्टाफ रूम में, हम पता नहीं किस काम में लगी हुई, बहुत बिजी रहती है हमारी मैम। अब हम जाएँगे फिर फोटोज खिंचाएंगे। तो ये मेरी फेवरेट टीचर, मोस्ट फेवरेट, जिन्हें मुझे बनना था, तो मैं फाइनली बन गई। मेरी फेवरेट मैम मोनिका मैम, थैंक यू। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और मज़े के साथ साथ पैर बहुत दुख गए, क्योंकि आज जीन्स पहनी हुई पूरे दिन, और पूरे स्कूल में हम घूम रहे हैं। तो तुम्हारी बस ये पता नहीं क्लास में कैसे रहेगी, किसी भी टीचर के साथ इसकी फोटो नहीं हुई है, हमने सारी टीचर के साथ खिंचा चुके हैं। तो प्रेरणा की जगह एक मोनिका मैम के साथ फोटो खींच। सारी टीचर्स भी ना पहले ही चली गई हमारे साथ, तो अब जा रही हैं। और ये भूमिका रह गई है, मैं बस भूमिका का वेट कर रही थी। मैं जा रही हूँ, आ जा, मतलब टीचर है तो मतलब सबसे लास्ट में निकलेगी, चल आ जा। हैप्पी टीचर्स डे, ओनली ओनली निकलेगी। आ चुकी हूँ, लेकिन पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे, जैसे कि मैंने आपको स्कूल में भी बताया था, तो क्योंकि आदत नहीं रही बिल्कुल भी हील पहनने की, लेकिन आज मुझे हील भी पहननी थी। मैंने कहा था इसको फ्लैट पहन जाओ, फ्लैट भी है बढ़िया लगती फ्लैट, लेकिन इसको पहनना जो पूरा दिखा वो भी अच्छी लगती, नीचे उसमें से निकाल के लेके पहन के दिखाई मुझे। हाँ, पैर हो गए, हालत ही खराब हो गई एकदम। सही है, बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। उस बात है ना दीपिका का, वो भी उसकी वो भी बन रही है टीचर, रीजा टेंथ में है ना वो। और किसी का पता चला ट्विंकल कृतिका? अभी किसी का नहीं, नहीं खुली हूँ वो अभी दर्शन कहीं थे नहीं, केस बंद होगा उनका मम्मी। अच्छा 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 अच्छा, तो ये होगी तो रिंग तो अच्छी लग रही है बेटा, और ले लिया था ना। हाँ एकदम सेट, क्या ये मतलब है ना, गिफ्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा, किसी को गिफ्ट दे दो, कितनी सुंदर रिंग है देखो ऐसे।